Swaminarayan, how are you all? I hope you all are doing great. Today we are going to do a new chapter from our unit 9, that is the magic porridge pot. So in the last lecture also, in the last few chapters we have seen what is porridge. Porridge means kya hota hai? ग्रेन्स को दल के उसको ब्रेक डाउन करके उसका फूड बनाते हैं. दे बॉइल इन वॉटर और मिल्क, दैट इज कॉल्ड पॉरेज. लाइक दलिये जैसा होता है, राइट? सो वॉट इज ऑल अबाउट द मैजिक पॉरेज पॉट? सो इट इज अ ब्यूटिफुल चैप्टर अबाउट द मैजिक एंड द पॉरेज पॉट. सो देयर वॉज अ मैजिक पॉट. हाउ इट केम, हाउ दिस मैजिक पॉट गॉट द न्यू गर्ल, लेट्स सी हियर. सो वंस देयर वॉज अ स्मॉल गर्ल नेम तारा. क्या नाम था गर्ल का? इट वॉज नेम तारा. एंड तारा यूज टू सेव विथ हर मदर. किसके साथ रहती थी वो? अपने मदर के साथ स्टे करती थी. एंड दे वर वेरी पुअर. वो बहुत क्या थे? पुअर थे, गरीब थे. सो वंस शी वेंट टू एन फॉरेस्ट. वो कहाँ पे गई? शी वेंट टू अ फॉरेस्ट. देयर शी मेट एन ओल्ड वुमेन. वहां पे उसे ओल्ड वुमेन, बुजुर्ग वुमेन वहां पे मिली. शी मेट एन ओल्ड वुमेन एंड द ओल्ड वुमेन गेव हर अ मैजिक पॉट. उसने, ओल्ड वुमेन ने तारा को क्या दिया? मैजिक पॉट दिया. सो वॉट वॉज द मैजिक अबाउट द पॉट? पॉट का क्या मैजिक था? सो द ओल्ड वुमेन एक्सप्लेन हर दैट द ओल्ड द मैजिक पॉट, वेन यू से कुक पॉट कुक, इट स्टार्ट कुकिंग ऑन इट्स ओन. जब आप पॉट को कहो कुक पॉट कुक, इट स्टार्ट कुकिंग इट ऑन ओन. अपने से वो बनाना शुरू कर देता है. एंड वेन यू फील कि दिस इज इनफ, सो यू कैन से स्टॉप स्टॉप पॉट स्टॉप. आपको क्या कहना है? स्टॉप पॉट स्टॉप. तब वो बनाना बंद कर देगा. दिस इज हाउ यू कैन ईट एंड यू कैन मेक पॉरेज एंड यू कैन स्टॉप देम. आपको उसको ऑर्डर देना है. ये ही वर्ड्स, एग्जैक्ट दीज वर्ड्स पॉट कैन अंडरस्टैंड. दिस इज द मैजिक विच वॉज डन विद द पॉट. ये जब आप उसे कहोगे वेन यू से कुक पॉट कुक, इट विल स्टार्ट कुकिंग ऑन इट्स ओन, द पॉट विल. एंड वेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप, इट विल स्टॉप द कुकिंग ऑन इट्स ओन. सो दिस इज हाउ द मैजिक वर्क्स ऑन द पॉट. सो शी वॉज सो हैप्पी, तारा वॉज सो हैप्पी दैट अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे. वी विल नेवर बी हंग्री. वी ऑल विल बी, मी एंड माई मदर विल ऑलवेज गेट टू ईट. सो शी वेंट बैक होम एंड शी सेड एक्साइटिंगली टू हर मदर. उसने अपने मम्मी से कहा कि दैट आई गॉट दिस मैजिक पॉट, आई विल शो सम टू यू. सो उसने क्या कहा? शी सेड एवरीथिंग टू हर मदर वॉट हैपेंड इन द फॉरेस्ट. एंड आफ्टरवर्ड्स शी सेड टू द पॉट कुक पॉट कुक. सो पॉट स्टार्टेड cooking. And when she felt ki it is enough for both of us, she said stop pot stop, aur pot ne banana band kar diya. She ate all that happily. Dono jane acche se khana khaya, they had happy time, and then she left. So she went outside for some time, and afterwards her mother started cooking. So mother ne usko kaha pot ko, she also tried it cook pot cook. So it started cooking. Pot again started cooking. But when it was spilling it out, spilling means बाहर निकलना. कोई चीज बर्तन से बाहर निकलती है ना, पॉट हो गया, पैन हो गया, when it comes out it's called spill. आपसे water भी गिर जाता है, I spilled the water. What do you say? I spill the water. और water is spilled. So this is how the spilled word we can use it. And here, so she tried to say कि अब मत बनाओ. She said, do not make more. Stop making it. But उसने क्या कहा? उसकी मदर ने राइट वर्ड नहीं कहा. शी डिडंट सेड स्टॉप पॉट स्टॉप. उसने कहा, मदर ने कहा पॉट को कि डू नॉट मेक एनी मोर, बस करो, अब मत बनाओ, बंद हो जाओ, रुक जाओ. उसने बहुत सारे वर्ड्स कहे, बट शी डिडंट सेड द मेन वर्ड विच वॉज स्टॉप पॉट स्टॉप. And this is how, the pot was continuously cooking and it didn't stop. वो किससे start होता था? Cook pot cook. And how the pot gets stopped? Stop pot stop. But she didn't use those words. That is why the pot was cooking all it porridge. And in some time porridge was spilling it out. It was coming all over. So her mother ran from there and she went to find the Tara. That where is Tara? And
After saying so many words, still it did not work, and she was scared, and she went out in the village. And the porridge was also following the woman, the mother over there, and she was screaming, Tara, Tara, and that porridge came on the road. वहाँ पे बह बह के spill out होके it came towards the road also. Now all the villagers saw that, all the villagers ran to eat the porridge. And similarly, there the Tara comes and she sees that pot is still cooking. It did not stop. So Tara said, "Stop, pot, stop!" And it stopped cooking the porridge. So this is how the magic pot helped the mother and the daughter, and also made so much bad situation for them. So villagers all enjoy the food or the porridge over there, which was spilling it out. They had it all what they wanted or how much they wanted. So was it interesting about the mother and Tara and the magic pot and the old woman story? Yes or no? Yeah.